Hello students, today we are going to start the new topic of this chapter, that is Archimedes principle. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ बेटा. देखो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये आपके स्टडी जैसे आप कहीं जॉब भी करने जाएंगे या जॉब के लिए आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें भी जनरली ये चीजें हमसे कई बार पूछ ली जाती है. सो इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से समझना. इसमें लिखने का पोर्शन कम है, थ्योरी बेस्ड पोर्शन जो है समझने का पोर्शन ज्यादा है. सो प्लीज कंसंट्रेट ऑन माय वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग. क्लियर? तो पहले हम इस पर टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग देख लीजिए क्या है, PRINCIPLE. इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, और एक स्पेलिंग होती है PAL लास्ट में, जो बच्चे कई मिस्टेक करते हैं तो उसके ऊपर ध्यान देना बेटा. आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस अ बायोंड फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. मीन्स सपोज करो आपके पास एक ये पानी का मग है, दैट इज कंप्लीटली पानी से भरा है, ठीक है जी. अब आपको पता है, मैंने कल जो टॉपिक कराया था आपको लास्ट क्लास में, उसमें बताया था कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्लूइड में इमर्ज करते हैं तो वो फ्लूइड उस पर क्या लगाता है, बायोन फोर्स लगाता है. कितना बायोन फोर्स लगता है, इट विल गिव बाय द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ये किसने दिया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने. सपोज करो हम एक इस ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं, अब जो इसका इमर्सिंग पोर्शन है ये जो पानी के अंदर है, जब ये पानी में आएगा तो अपना स्पेस बनाएगा जी. आप जितना स्पेस बना रहे हो उतना वाटर क्या कर रहा है, यहां से ये डिस्प्लेस कर रहे हैं. आपने देखा होगा आपकी बकेट ऊपर तक भरी हुई और आप उसके अंदर मग डालते हैं तो आपने देखा होगा कि जो पानी उस साइडों में से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो भी तो अपनी स्पेस बनाएगा उसमें जाने के लिए. अब जितना इसके ऊपर बायोन फोर्स लगेगा इस लिक्विड के थ्रू, वो किसके इक्वल होगा, जितना ये वाटर डिस्प्लेस करेगा. मीन्स बायोन फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस अ बायोन फोर्स. तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, एक बायोन फोर्स एक्सपीरियंस करता है विच इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट. जो बायोन फोर्स है हमेशा किसके इक्वल होगा, जितना वो लिक्विड वहां से ऑब्जेक्ट वहां से लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है. बहुत से कंसेप्ट है जो सारे मोस्टली आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं. अगर हम इसमें एग्जाम्पल ले कि एयर का, बिकॉज एयर इज ऑल्सो एज अ फ्लूइड, एयर को भी हम फ्लूइड के अंदर कंसिडर करते हैं. तो जब भी हम किसी भी बैलून को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम एयर के अंदर लेकर जाते हैं तो वो क्या करता है, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है, सपोज करो आपके पास कोई गैस का बैलून है, आपने बैलून को छोड़ा, अब जैसे जैसे बैलून ऊपर जा रहा है वो क्या कर रहा है, एयर को डिस्प्लेस करता जा रहा है. जितनी एयर डिस्प्लेस होगी उतनी एयर क्या लगाएगी, नीचे से बायोन फोर्स अप्लाई करेगी उसके ऊपर. क्लियर हुआ, जितनी एयर के अंदर बैलून जा रहा है उतनी एयर वो डिस्प्लेस कर रहा है, और जितनी एयर डिस्प्लेस हो रही है उतना ही उस पर क्या लग रहा है, बायोन फोर्स लग रहा है. सो जो बैलून है वो कंटिन्यूअसली एयर के अंदर फ्लोट करेगा, मूविंग करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल. सो वी कैन से दैट आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ गैसेस. इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, सपोज करो ये पानी के अंदर एक वॉल्ट है, ठीक है जी. अब जितना इसका इमर्सिंग पोर्शन है वोट का, उतने ही एरिया पर क्या लगेगा जी, बायोन फोर्स लगेगा. अब ये बायोन फोर्स किसके इक्वल है, जितना इस इमर्सिंग पोर्शन ने
यहां से वॉटर को डिस्प्लेस किया था. बायोन फोर्स इज इक्वल टू द इमर्स पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लिक्विड. जो बायोन फोर्स है वो किसके इक्वल है? द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स पार्ट. कि जितना लिक्विड ये इमर्स पार्ट है वो डिस्प्लेस कर रहा है उतना इस पर क्या लगेगा? बायोन फोर्स लगेगा. और वो बायोन फोर्स इतना एप्लीकेबल होता है कि इस बोट को इजिली फ्लोट करवा लेते हैं. अब देखो क्या हो रहा है, इसमें पैसेंजर बैठे हुए बोट में. अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इसके अंदर पैसेंजर और एड होते जा रहे हैं. जैसे ही और पैसेंजर एड हुए तो क्या देखा गया कि जिसका लेवल है वो और नीचे चला गया पानी के अंदर. पहले यहां तक था और ऊपर आ गए. अब और ज्यादा वॉटर डिस्प्लेस करेगा तो और ज्यादा वॉटर डिस्प्लेस करेगा तो उसके कंपेरिजन में बायोन फोर्स भी क्या हो जाएगा जी, इंक्रीज हो जाएगा. भाई पैसेंजर बैठे हैं तो डाउनवर्ड फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो वेट ऑफ द लिक्विड भी क्या होगा जो डिस्प्लेस हो रहा है वो भी इंक्रीज होता जाएगा. वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इंक्रीज हो रहा है तो बायोन फोर्स भी इंक्रीज होगा. ये कंडीशन कब तक चलती है? जब तक ये लास्ट तक पहुंच जाते. सपोज करो ये एंड पॉइंट तक आ गया. कब आया ये एंड पॉइंट तक? जब इसमें और ज्यादा पैसेंजर एड करना शुरू कर दिया. अब ये था इसका पीक पॉइंट. इसके बाद ये और ज्यादा वाटर डिस्प्लेस नहीं कर सकता. मतलब ये जो फोर्स लग रहा है अब ये मैक्सिमम बायोन फोर्स लग रहा है. अब अगर हमने इसमें और ज्यादा पैसेंजर ऐड करने शुरू करें तो क्या होगा? बोट विल सिंक इन द वॉटर. जो नाव है वो पानी में सिंक हो जाएगी. रीजन क्या है? क्योंकि जो बायोन फोर्स लग रहा था वो तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस पे डिपेंड कर रहा था. अब जब एंड पॉइंट तक पानी आ गए तो इसके बाद तो बायोन फोर्स भी अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि वो मैक्सिमम अप्लाई हुआ है बायोन फोर्स और लिक्विड भी मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रहा है. अब तो पानी के खास जाएगा, नाव के अंदर ही एंटर कर जाएगा. जब नाव डूब जाएगी तो कंडीशन खत्म. क्लियर हुआ? सो दिस इज द बायोन फोर्स. अच्छा मैं आपको और भी कॉमन एग्जाम्पल बताता हूँ. देखो बी प्रैक्टिकली सोचते हैं इसको. जब हम किसी का वेट करते हैं ऑब्जेक्ट का किसी भी जगह, भाई सपोज करो मैं अपना वेट करूं वेगिंग मशीन पे खड़ा हूं, तो क्या वो मेरा वेट एक्चुअल होता है? नहीं होता. क्यों नहीं होता? देखो जब मैं वेगिंग मशीन पे खड़ा हूं तो सपोज करो वहां पर एयर भी है, मैं एयर को डिस्प्लेस करके तो खड़ा हो रहा हूं वहां पर. तो जो एयर डिस्प्लेस हुई है वो एयर कुछ क्या लगा रही है मेरे ऊपर? बायोन फोर्स लगा रही है. तो मेरा कुछ वेट जो है वो तो थोड़ा सा कम हो गया, बायोन फोर्स ने उसको बैलेंस कर लिया. दिस इज नॉट द एक्चुअल वेट. बट अगर हम यही काम वैक्यूम के अंदर करते हैं तो वहां पर कोई एयर नहीं जिसको हम डिस्प्लेस कर सके, तो वो जो हमारा वेट होता है वो एक्चुअल वेट होता है. किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप एयर में मूव करवा रहे हैं तो इतनी एयर को डिस्प्लेस करता जाता है, तो एयर क्या लगा रही है उसके ऊपर? बायोन फोर्स लगाती जाती है. इज इट क्लियर? अब इसी के अंदर एप्लीकेशन आती है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के यूजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या क्या है. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज होता है बेटा टू डिजाइनिंग द शिप्स एंड सबमरीन्स. जिनकी डिजाइनिंग होती है दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ऐसे वर्किंग ऑफ लैक्टोमीटर विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ प्योरिटी ऑफ मिल्क इज बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. हाइड्रोमीटर जो होता है वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है. इज इट क्लियर? सो ये आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कंसेप्ट था कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है. एक बार मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा देता हूं कि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को होली या पार्शियली मींस आधा या पूरा किसी भी फ्लूइड में इमर्स करते हैं तो वो फ्लूइड उस पर बायोन फोर्स अप्लाई करता है, अपवर्ड फोर्स, जो किसके इक्वल होता है? जितना वो ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रहा है, मींस वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट. दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. इज इट क्लियर? ओके. अवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन. इज इट क्लियर? देखो लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात करें तो सिंपल थिंग है इसके अंदर कि कौन सा सब्सटेंस फ्लोट करता है, कौन सा सब्सटेंस सिंक करता है किसी भी फ्लूइड में, दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ फ्लोटेशन. अब मैं इसमें कुछ आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से समझना. जब भी हम किसी लिक्विड को, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में फ्लूइड को इमर्स करते हैं तो कंडीशन क्या होती है? जो ऑब्जेक्ट है वो अपना वेट लगा रहा है बच्चे डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर. The weight of an object is always acting downward direction. And
The fluid exert an upward force and the name of the force is bound force. Fluid जो है उस object पर एक upward direction में force लगा रहा है, that is the bound force. If the both forces are balanced, means bound force will balance the downward force, that is weight of the object, then object will float in the liquid. अगर bound force जो है वो डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करता है, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड में फ्लोट करता है इजीली. अब अगर हम बात करें आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द बायोंड फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, या वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. अब मैं यहां से कुछ इक्वेशंस दिखा रहा हूं, आप समझो उसको थोड़ा ध्यान से. बायोंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड या लिक्विड, कि कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है उसके वेट के इक्वल क्या होता है, बायोंड फोर्स होता है. ऐसे ही डाउनवर्ड फोर्स या weight of an object is equal to bound force, क्योंकि वही उसको balance कर रहा है. If A is equal to B and B is equal to C, A is equal to किसके है, B के equal है, और A is equal to किसके है, C के, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, equal हो जाएंगे. Means weight of an object is equal to weight of the liquid displaced by the object, या immersed part of the object. तो यही हमारा law of flotation है. An object will float in a liquid. एक object liquid में सिर्फ तभी float कर सकता है if weight of the object is equal to weight of the liquid displaced by the object. Means if the weight of the object is equal to weight of the liquid displaced by the object, तो वही object क्या कर सकता है, उस liquid में float कर सकता है. This is the law of flotation. क्या बोलते हैं जिसको, law of flotation. ये हमारे पास कोई भी liquid है, इसमें लिक्विड फिल है, सॉरी कंटेनर के अंदर लिक्विड फिल है. अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को इसमें इमर्स करता हूं, जितना ये इस इमर्सिंग पार्ट के थ्रू लिक्विड डिस्प्लेस होगा वो किसके इक्वल होगा जी, बायोन फोर्स. और बायोन फोर्स किसको बैलेंस करता है, वेट डाउनवर्ड फोर्स को. मीन्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. दो कंडीशन ऐसी है तभी लॉ ऑफ फ्लोटेशन एप्लीकेबल होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर फ्लोट कर सकता है. समझ में आया. एक तरह से अगर हम कहें तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बायोन फोर्स बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. समझ में आया जी. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर जितना वो ऑब्जेक्ट लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है उसके इक्वल है तो ही ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, अदरवाइज इट विल सिंक इन टू द वॉटर या इन टू द लिक्विड, कोई सा भी फ्लूड हो सकता है. और यहीं पर अगर हम डेंसिटी का कंसेप्ट ले, लॉ ऑफ फ्लोटेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ फ्लोटेशन. सिर्फ समझने, अंडरस्टैंडिंग लेवल इसमें आपका अच्छा होना चाहिए. लॉ ऑफ फ्लोटेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, कैसे कि हर लिक्विड की कुछ ना कुछ डेंसिटी होती है बेटा, हर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है कुछ ना कुछ. ठीक है जी. अगर मैं यहां पर वाटर की डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी ऑफ वाटर वो होती 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर. तो अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी वॉटर की डेंसिटी से कम है देन इट विल फ्लोट इन द वॉटर, ऑन द वॉटर. अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी
वाटर की डेंसिटी से क्या है, कम है, तो वो सब्सटेंस वाटर पर फ्लोट करेगा. मींस यहाँ लिख रहा हूं मैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड दिस वन इज डेंसिटी ऑफ वाटर, तो क्या होगा जी, फ्लोट ऑन द वाटर. जैसे आपके पास कोई कॉर्क है, ढक्कन है, ठीक है, पानी की खाली बोतल है, आपने उसको पानी में डाला तो आप देखते हो क्या वो नीचे जाती है? नो, वो बिल्कुल लाइट वेटेड है, मींस उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से बहुत कम है, वो फ्लोट करती रहती है ऊपर. क्लियर हुआ? ऐसे ही कोई भी वुडन ब्लॉक है, सॉफ्ट वुडन ब्लॉक, वो भी वाटर पर क्या करता है, हमेशा फ्लोट करता है. अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के इक्वल है तो वो सब्सटेंस फ्लोट तो करेगा, बट फ्लोट इन टू द वॉटर, मतलब बिलो द सरफेस. जैसे ये हमारे पास कंटेनर में वाटर है तो वो सब्सटेंस पानी के अंदर फ्लोट करेगा, जैसे आइस हो जाती है. इफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर देन इट विल फ्लोट बट इन द वाटर. और थर्ड केस, इफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर देन इट विल सिंक इन द वॉटर. तो वो पानी के अंदर क्या होगी जी, सिंक हो जाएगी. इज इट क्लियर? अब हम यहां पर एक एग्जांपल्स लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटेशन, इनको थोड़ा ध्यान से समझना बच्चे. पहला क्वेश्चन यहां पर हमारा आता है, एन आयरन निडल एंड अ शिप बोथ आर मेड अप ऑफ आयरन बट निडल विल सिंक इन द वॉटर बट शिप विल फ्लोट इन द वॉटर. भाई एक सुई है हमारे पास वो भी लोहे की है, एक जहाज है वो भी लोहे का है. जो जहाज है वो तो पानी में तैरता है बट जो सुई है निडल है वो पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है जी? तो मैं आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, थोड़ा इसको ध्यान से समझना. ये तो हमारे पास है एक आयरन निडल, ठीक है जी, और ये है हमारे पास शिप. आयरन निडल की अगर हम बात करें, इट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ आयरन, देर इज नो एनी होलो स्पेस, दिस इज सॉलिड, वॉल्यूम भी कम है, कंप्लीटली मेड अप ऑफ आयरन है, तो जिससे क्या होता है, इसकी जो ओवरऑल डेंसिटी है आयरन निडल की, डेंसिटी ऑफ निडल इज ग्रेटर देन, किससे हो जाती है, डेंसिटी ऑफ वॉटर. तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होगी बच्चे, सिंक हो जाएगी, बायोड फोर्स भी कम लग रहा है वॉल्यूम कम होने की वजह से. और वहीं पर अगर हम बात करें शिप की, शिप के अंदर एक होलो स्पेस होता है बेटा, कंप्लीटली वो आयरन का नहीं बना हुआ होता, बीच में होलो स्पेस होता है. इस स्पेस के अंदर क्या फिल होती है, एयर फिल होती है, इस स्पेस पे एयर फिल होती है. तो जो एवरेज डेंसिटी निकल के आती है इसकी ओवरऑल, वो डेंसिटी वॉटर की डेंसिटी से कम होती है. डेंसिटी ऑफ शिप इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वॉटर. और दूसरा केस, जब शिप का वॉल्यूम ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा वॉटर को भी डिस्प्लेस करेगा, ज्यादा से ज्यादा वॉटर को डिस्प्लेस करेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगा इसके ऊपर, बायोड फोर्स लगेगा, बाय विच शिप कैन इजिली फ्लोट इन द वॉटर बट आयरन निडल विल सिंक इन द वॉटर. इज इट क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं, केस ऑफ सबमरीन. सबमरीन को बोलते हैं पनडुब्बी, जो पानी के अंदर भी रहती है और पानी के बाहर मतलब सरफेस पर भी आती है. उसका रीजन क्या होता है बेटा, जो सबमरीन होती है उसमें एक बैलिस्टिक टैंक होता है बेटा, उस बैलिस्टिक टैंक के अंदर क्या करते हैं हम, जब हमें पनडुब्बी को सबमरीन को पानी के अंदर ले जाना होता है तो उस बैलिस्टिक टैंक को मोटर ऑन करके उसमें वाटर फिल कर देते हैं. अब अगर उसमें वाटर फिल हुआ तो वेट ऑफ द सबमरीन इज मोर देन द बायोड फोर्स, मींस अब जब वेट ज्यादा हुआ तो वाटर भी ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेस करेगा. अब एक कंडीशन ऐसी आती है उसमें डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाता है और बायोड फोर्स कम हो जाता है, ओवरऑल डेंसिटी इसकी ज्यादा हो जाती है और वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है, तो सबमरीन कहां होगी, पानी के अंदर जाएगी. बट अगर उसे बाहर निकालना होता है तो उसमें एयर कंप्रेसर होते हैं. एयर कंप्रेसर क्या करते हैं, जो बैलिस्टिक टैंक के अंदर वाटर होता है
उसको एयर कंप्रेसर के थ्रू सारा बाहर निकाल देते हैं। जितना पानी बाहर निकालते हैं वेट क्या होता जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और बायोन फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। तो लास्ट में वो सारी की सारी जो सबमरीन्स है पूरी ऊपर आ जाती है। वो डिपेंड करता है कितना पानी में रखना चाहते हैं, कितना ऊपर रखना चाहते हैं। तो ये कंसेप्ट है, ये भी पूरा डेंसिटी के ऊपर बेस है। क्लियर हुआ? थर्ड केस, अगर हम ले कोई भी, अगर हमारे पास आइस है, आइस विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर या कोल्ड ड्रिंक सोल्यूशन। आपने देखा हो जैसे अगर हम कोई भी बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा है, आपने उसको पानी में डाला या कोल्ड ड्रिंक में डाला तो वो कभी भी नीचे नहीं बैठता। अगर नॉर्मल साइज है उसका, अगर वेट ज्यादा है तो नीचे बैठ जाता है, नॉर्मल साइज है तो हमेशा ऊपर आ जाता है। उसका रीजन क्या होता है बेटा, जो आइस ग्लोब होता है उसकी डेंसिटी होती है लगभग 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और वाटर की डेंसिटी क्या है जी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है वाटर की और आइस जो ग्लोब है उसकी डेंसिटी क्या है, आइस क्यूब की डेंसिटी क्या है, कम है, जिसकी वजह से आइस क्यूब विल फ्लोट इन द वॉटर। कंप्लीटली सरफेस पे भी नहीं रहता, थोड़ा सा पानी के अंदर रहता, थोड़ा सा पानी के बाहर रहता है। ऐसे ही अगर बात करें आइसबर्ग की, आइसबर्ग होते हैं बर्फ के पहाड़ जो समुद्र के अंदर होते हैं, तो वो कुछ पोर्शन तो उनका ऊपर रहता है और कुछ पोर्शन उनका नीचे रहता है। लगभग आइसबर्ग की जो डेंसिटी होती है 910 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है और वाटर की डेंसिटी कितनी बताई मैंने आपको 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो लगभग इसका 1/9 पोर्शन जो है वो तो सरफेस पे रहता है और 8/9 पोर्शन जो है वो पानी के अंदर रहता है। क्योंकि अगर हम दोनों की डेंसिटी का डिफरेंस निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो वो लगभग कितना आता है 1/9। मींस ये पोर्शन तो फ्लोट कर रहा है, ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, बट ज्यादा से ज्यादा पोर्शन पानी के अंदर रहता है, जिसकी वजह से जो शिप होते हैं कई बार वो इससे टकरा जाते हैं, वो एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि सरफेस पर थोड़े से नजर आते हैं तो सोचते हैं कि ऊपर ऊपर है, छोटा सा पहाड़ होगा, उसको जब निकालते तो उसका उतना ही ज्यादा पोर्शन पानी के अंदर भी होता है। रीजन, कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी। इज इट क्लियर? अब अगर बैलून की बात करें, जब बैलून को किसी भी एयर में हम छोड़ते हैं तो वहां भी डेंसिटी का कंसेप्ट काम आता है। बैलून में जो गैस होती है उसकी ओवरऑल डेंसिटी एयर की डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है। तो जितनी वो एयर डिस्प्लेस कर रहा है उतना ही क्या लग रहा है उसके ऊपर, फोर्स लग रहा है, बायोन फोर्स लग रहा है, जिससे वो कंटिन्यूसली एयर के अंदर मूविंग अप होता रहता है। इज इट क्लियर? दीज आर द कंसेप्ट्स ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूं, जैसे इसकी काफी एप्लीकेशन है, आप बुक्स में पढ़ोगे तो आपको और भी ज्यादा एप्लीकेशन मिलेंगे इसमें। मैं मेन मेन पॉइंट आपको यहां बताएं, जैसे अगर हम पानी के अंदर डूबते हैं, ठीक है, अगर आप पानी में कूद रहे हो और आपको स्विमिंग नहीं आती है तो ऑब्वियसली बात है हम क्या करेंगे, पानी में डूब जाएंगे, है ना। ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, हम पानी में डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी का वेट है वो डाउनवर्ड फोर्स है और जो बायोन फोर्स लग रहा है वो कम है और हमारी बॉडी की ओवरऑल जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से क्या ज्यादा है, तो हमारी बॉडी सिंक हो जाएगी पानी के अंदर। अब क्या होता है, अगर किसी इंसान की पानी में डेथ हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी जो होती है वो ऊपर आ जाती है पानी में तैर के। ऐसा क्यों? मतलब जो इंसान जिंदा है वो पानी में डूब रहा है, जो इंसान मर गया वो पानी के ऊपर आ गया। रीजन सिंपल है बच्चे, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। रीजन क्या होता है, जब हम जिंदा है तो हमारी बॉडी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है तो हम सिंक कर रहे हैं। जब हम मर जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एयर फिल हो जाती है। अब एयर फिल होने से एवरेज डेंसिटी जो होती है बॉडी की वो वाटर की डेंसिटी से कम हो जाती है, बट स्टिल जो हमारा हेड पोर्शन है वो पानी के अंदर ही रहता है क्योंकि इसका वेट ज्यादा होता है। मींस इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ये पानी के अंदर रहता है बट बॉडी सारी फ्लोट करती है सर पानी के ऊपर। दैट इज द रीजन। इज इट क्लियर? ऐसी जब हम स्विमिंग करते हैं, अगर हम पानी में स्विमिंग करने के लिए कूद गए और हम स्विमिंग नहीं कर रहे तो क्या होगा, जो बायोन फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर जो बॉडी डिस्प्लेस कर रही है दैट इज नॉट एनफ। हमारी बॉडी जब पानी में जा रही है तो कुछ ना कुछ पानी डिस्प्लेस करेगी, जितना पानी डिस्प्लेस करेगी उतना ही क्या लग रहा है, बायोन फोर्स लग रहा है, तो वो बायोन फोर्स कम होता है जो हमारी बॉडी को फ्लोट नहीं करवा सकता। अब जैसे हम हाथ मारना शुरू करते हैं, स्विमिंग करना शुरू करते हैं, स्विमिंग करने का मेन पर्पस होता है वाटर को डिस्प्लेस करना।
जितना वाटर आप डिस्प्लेस करोगे उतना ही क्या लगेगा नीचे से, बायोंट फोर्स लगेगा और हम इजिली स्विमिंग कर सकते हैं। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताए भी थे कि इट इज इजियर टू स्विम इन सी वाटर एज कंपेयर टू द स्विमिंग पूल वाटर, वही डेंसिटी का कंसेप्ट है यहां पर। इज इट क्लियर? तो ये हमारा कंसेप्ट था लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कि कौन सा सब्सटेंस फ्लोट करता है, कौन सा सब्सटेंस सिंक करता है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया बच्चे रिलेटिव डेंसिटी, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहां तक के मैंने आपको जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं ये आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं, इनके एप्लीकेशन को रीड करना है, और जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं आप उसको फिर नोटबुक में नोट करें। क्लियर? सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, स्टे होम स्टे सेफ।